सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सोनीपत के सेक्टर 14 में कुरियर देने गए युवक की बाइक से चोर 90 पैकेट से भरे दो बैग चोरी करके भाग गया। सोनीपत में स्थित तो शास्त्री कॉलोनी निवासी विजय ने सेक्टर 27 थाना पुलिस को बताया कि वो कुरियर कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का कार्यालय सोनीपत के सिद्धार्थ नगर में है। वो अपने कार्यालय से कुरियर आपूर्ति के पैकेट लेकर वितरित करने के लिए निकले थे। सेक्टर 14 में एक घर में कुरियर देने चले गए। इस दौरान उनकी बाइक पर दो बैग रखे थे। वो कुछ कुरियर देकर वापस लौटे तो उनकी बाइक से दोनों बैग चोरी मिले। उन्होंने आसपास पता किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो एक युवक उनकी बाइक से दोनों बैग को उतारकर पैदल जाता दिखाई दिया। भीड़भाड़ के बीच से कुछ दूर तक पैदल ही जाता है। उसके बाद वो अपने साथी की बाइक पर बैठकर भाग जाता है। पुलिस उनकी बाइक के नंबर का पता लगा रही है। पीड़ित ने बताया कि उनके दोनों बैग में 90 पैकेट थे। उन्हें चोर उठाकर ले गए। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम चोर के बारे में पता लगा रही है। दो पैकेट थे उसमें कुरियर से, वो चोरी हुए हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज पे उसके बेस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी आरोपियों को पकड़ के सर मामला दर्ज कर लिया है। इसमें सीसीटीवी में आदमी आ रहा है, वो उठा कर ले। इतना